वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब अली। नाज़म। क्या करते हो? जॉब। 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 दोनों का रिश्ता? दोस्त। कब से? तकरीबन 10 इयर्स। वाओ, चलो अपने दोस्त की एक अच्छी और एक बुरी आदत बताओ। अच्छी आदत इसकी ये है कि ये गुस्सा बहुत जल्दी कर देता है। अच्छी आदत है? सॉरी, बुरी आदत इसकी। और अच्छी आदत ये है कि ये जो मेरा सबसे खास फ्रेंड है और मैं से खोना नहीं चाहता, जो इसकी छाई है वो मैं बयान नहीं कर सकता, किन लफ्ज़ों में बयान करूँ, वो इसकी ये छाई है सिर्फ। अरे वाह। और इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत बताओ। ठीक है, सब अच्छा। चलो ओके, सवाल करते। ठीक है? ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा बोलने वाला कीड़ा कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बोलने वाला कीड़ा? कॉकरोच। कॉकरोच की आवाज आती होती तो बंद हो जाते काम। मुझे नहीं पता। क्या सुनाएंगे? मैं एक पंजाबी में मेरा शेर है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ इसे अपने दोस्त को। मैं जुगल गाना चाह रहा हूँ, जिसे जुगल कहते हैं। एनू किसी ने पूछा कि यार जहाज नू रंग किस तरह कर देने, कहना जो उत्ते जाके डग नहीं हो जाता, उदो ऐसा करके रंग कर देने। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तानी आवाम के लिए। मैं सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने डैम फंड के लिए दिन रात मेहनत करके उसको उसके मुंतकिल अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की। ये जो डैम है वो हमारे आने वाला जो कल हमारा मुस्तकबिल है, जो उसके लिए नहायत ही ज़रूरी है। हम चाहे कल हों या ना हो, अगर डैम होगा तो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाला मुस्तकबिल है, उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो इस डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़ जी। ये जहाज़ वाला जोक बड़ा नाइस था, वैसे बड़ा दिमाग लगाया कि जब ऊपर जाके छोटा सा हो जाता था तब उसको पेंट करते हैं। वेरी वेरी नाइस। वैसे अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचें तो आप बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि तारा जब ऊपर जाके छोटा हो जाता है तो तब हम उसको ला सकते हैं, ना इस तरह का। अच्छा, मैंने एक मूवी है, एक बड़ी अच्छी मूवी है, आप भी देखिएगा। उसमें ना वो दिखाते हैं कि टारगेट होता है उनका कि सबसे बड़ा क्रिमिनल बनना होता है उसने। इस एनिमेटेड मूवी तो वो कहते हैं मैं सबसे पहले क्या चोरी करके लाऊं। तो वो उसने जो आई थी ना मिनियंस, उनके जो पहला वाले पार्ट थे उसमें से था कि उसने, उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि चांद चोरी करके लाना होता है। तो उसके पास एक गैजेट होता है जिससे वो चांद को छोटा करता है, लेकिन वो उससे गुम जाता है। और जब चांद ज़मीन पर आ चुका होता है तो वैसे वो इतना होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और वो उसको समझ नहीं आता उसको वापस कैसे लेकर जाए। तो उस की इन्होंने जो है वो एक याद दिलाई। तो आप भी मूवी ज़रूर देखिएगा, उसका नाम आप खुद गूगल कर सकते हैं, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? एमफिल फिजिक्स। अच्छा ओके, सवाल करते हैं आपसे। ठीक है, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है कम नहीं होती? बहुत सी चीज़ें मिस जो बढ़ती हैं कम। बताओ। जैसे हमारी एज है। तो यही जवाब है। तालियां वो जवाब दे लिए। क्या सुनाओगे? मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा, किस्सा भी हजाब से आगे नहीं बढ़ा। मुद्दत हुई किताबे मोहब्बत शुरू किए, मैं अभी पहले बाप से आगे नहीं बढ़ा। लंबी मसाफतें हैं मगर इस सवार का पांव अभी रकाब से आगे नहीं बढ़ा। आंखें तो खूब हैं रुखसार का पता नहीं, क्योंकि दीदार अभी नकाब से आगे नहीं बढ़ा। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए किसकी है ये गजल? थैंक यू, सॉरी मिस। ये नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो जी, बहुत अच्छा लगा इनसे हमने बात की, मजा आया, गजल सुनी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान। आपका नाम? हसन। हसन कौन सी क्लास में? 8। दोनों का क्या रिश्ता है? दोस्त हैं। दोस्तों, चलो एक टंग ट्विस्टर देती बोलो। ठीक है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो तेज से। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। बस दोस्तों? हाँ जी। कब से? 2 साल हो गए। चलो अपने दोस्त की एक अच्छी और एक बुरी आदत बताओ। ये बहुत अच्छा है, स्कूल में हमें अपनी चीज़ें शेयर करता है, अपनी हमारे पास जो सी नई चीज़ होती है वो शेयर करता है हमारे साथ। बुरी आदत?
बुरी हालत ये मेरा बस्ता छुपा देता है। चलो आप भी बताओ। यही जो सी हेल्प करता है चीज में हमारी, ये शेयर करता है बात मार से। और बुरी आदत ये है कि ये बस्ते छुपा देता, चीजें नहीं देता। दोनों की सेम आते हैं, जुड़वा तो नहीं हो? नहीं। चलो क्या करोगे, टक बैठक करोगे? हाँ जी। चलो कौन जीतेगा? मैं। ये तुमने तो अभी से कह रहे हो ये जीतेगा। चलो स्टार्ट करो, मैं खुद ही रोक लूंगी। 1 2 मेरे तो पहले स्टार्ट हो गया। बड़ी जल्दी थी। चलो चलो हो जाओ। ओए होए होए ओए होए होए ओए होए होए। क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं, वो अभी से आवाज आ रही, मैं। उसकी नियत ही नहीं थी दूसरे की जीतने की, उसने पहले ही कह दिया था। ओए होए वे चक्कर आ रहे इनको देख के पता नहीं क्यों। बस सोने वाली है दोनों की, हो गई तुम्हारी। करते रहो वे। 10 seconds रह गए, मैं गिनने लगी हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लैपिंग करो अपने लिए, एक और काम करो। चलो अच्छा क्या हुआ, योगे पानी मंगवाओ? नहीं नहीं। पक्का ठीक हो? घर जाके मुझे ना कहना कि मेरी वजह से कुछ ठीक हो। अच्छा अब अपने ईमान से बताओ, क्या लगता है कि कौन जीता है? मैं। आपको बड़ा गलत लगता है क्योंकि कुछ आपने बिल्कुल आधे आधे किए हैं। नहीं नहीं आपने उसके बाद नहीं, मैं गिन रही थी ना पहले किसने किया था। नहीं नहीं सही, पहले बिल्कुल सही कर रहा था। एंड पे ना कुछ थे जो ये आधे में ही वापस आ जाता था, लाइक पूरे नीचे नहीं जाता था, आधे में ही वापस आ जाता था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी एफर्ट थी, तो दोनों की बराबर की मेहनत है, मगर जीता तो एक है। सो लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, मगर उसको भी कुछ देना इसमें से, काफी चीजें। चले जी, बहुत प्यारे बच्चे थे, क्यूट से, बहुत मजा आया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? बीएड ऑनर। चलो जी मुझे बताओ कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटिंग। ओके, और बुरा कौन सा लगता? बुरा इकोनॉमिक्स। चले जी सवाल करते हैं, ठीक है जी। मुझे बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हमें महसूस होती है मगर नज़र नहीं आती हवा के अलावा? हवा के अलावा जिन वगैरह फिर नहीं पता। क्या सुनाओगी? रेमेडी शेयर करूंगी। डार्क सर्कल्स की रेमेडी है कि रूम टेम्परेचर वाटर में एक लेमन और एक ऑरेंज जो है उसके छिलके लेके वो रख लें, वो जब उनका सारा जूस निकल जाए उसमें, तो उसको कॉटन के साथ डिप करके, कॉटन उस वाटर में डिप करके उसे आइस पे लगाएं, 1 week में डार्क सर्कल खत्म हो जाएगा। आइस में चला गया नहीं जाता, नहीं जाएगा। कैसे लगाना है थोड़ा लोगों को बताओ ना। उसको डिप करके रखना है, जब कॉटन जो है वो कॉटन बॉल बन जाए तो उसको आइस पे लगाना है, तो वो उससे आंखें बंद कर। हाँ जी आंखें बंद कर। ओके, और भी क्या अच्छा है आपका? और इसके अलावा सैंडविच, सैंडविच के लिए जो है वो पहले ब्रेड को रोस्ट कर लें, रोस्ट करने के बाद उसमें कटलेट्स लगा के उसमें जो आपने, जो आपको मायोनीज केचप जो चीज़ पसंद है वो लगा के, इसके अलावा उसमें सैलेड लगा लें, और सैलेड लगा के उसको टोस्टर में रख दें तो सैंडविच बन जाएगा। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी, इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी रेसिपी भी बताई हमको और एक रेमेडी भी बताई, मगर क्या काउंट करता है? काउंट ये करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ तो आपको बता दी कि कर लें, अब ये आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे करना है। अच्छा अब ये आंखों वाली बात जो है वो मैंने जोक नहीं की थी, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको आंखों पर इस तरह लगाएं कि आपकी जो आँख है वो बची रहे। आप अगर लेमन जूस आपकी आंख में चला गया तो इट्स वेरी डेंजरस,
درد تو علیحدہ ہوگی اور لیکن جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس کے اور سے بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ مسز شازیہ. کیا کرتی ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں. چلے جی, مجھے بتائیں مال میں آج کیسے آنا ہوا؟ شاپنگ کے لیے. کیا خریدا؟ بچوں کے کپڑے. اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ لیا میک اپ. اوکے, چلے سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیں, ایک بینگلور ہے سنگل اسٹوری, بڑا پیارا سا, ٹھیک ہے؟ اس کے پردے پنک کلر کے ہیں, صوفے پنک کلر کے ہیں, کارپیٹ, ہاں کارپیٹ بھی پنک کلر کے ہیں, انٹیریئر میں کافی چیزیں. اس کی جو وہ سیڑھیاں ہیں ان کا کلر کیا ہوگا؟ آئی تھنک بلیک. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کلرز کا کنٹراسٹ اچھا لگتا ہے. بلیک نہیں ہے. بلیک نہیں ہے. پھر ٹی پنک ہو سکتا ہے. اچھا, سنائیں گی؟ میں ریسیپی شیئر کروں گی. ڈیٹیل میں بتائیے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اچھا, میں یہ ریسیپی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جلدی ہے آپ کو, کوئی زیادہ ٹائم نہیں آپ کے پاس, تو بند گوبھی جو سیلٹ میں یوز ہوتی ہے وہ آپ بریک کٹنگ کریں اور پیاز براؤن کر کے اس کے اندر ڈال دیں, ساتھ ہی آلو بریک کٹنگ کر کے ساتھ میں سارے جو ہیں سپائسیز ڈال دیں اور 10 منٹ دم پہ رکھیں اور آپ کا مزیدار سالن تیار ہو جائے گا. میسج یہ ہے میم کہ تعلیم کے بارے میں, کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں اکثر جو ہے تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں, تو ان کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے. زبردست, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. جی, ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, چاہے آپ مرد ہوں چاہے آپ عورت ہیں, پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آگے آنے والی جنریشن بھی پڑھی لکھی ہوگی اور آپ کی سوچ بھی پڑھے لکھوں والوں کی ہوگی. اچھا, لوگوں کو پتہ نہیں چھوٹی عمر میں بہت شوق ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے کچھ بننا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے اور میں پڑھے بغیر ہی ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. فرسٹ کمپلیٹ یور اسٹڈی دین ڈو ادر ایکٹیویٹیز. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے مگر پڑھائی آلویز کمز فرسٹ. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کامران. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں انجینئر ہوں. اوکے, مجھے بتائیں دنیا کا سب سے چھوٹا ملک اور شہر کون ہے؟ وہ اٹ سیلف ایک ملک بھی ہے اور ایک شہر بھی ہے. آئی تھنک عربین سٹی میں سے کوئی ہوگا. کوشش کریں. کرتے کیا ہیں آپ؟ میں انجینئر ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں. سوال کا جواب تو نہیں آیا, چلیں بتائیں انجینئر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انجینئر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی انجینئر ہی ہوتا ہے. انجینئر ہوتا ہے لیکن وہ ایک چیز کو مجھے آپریٹ کرتا ہے, چلانے والا ہوتا ہے. اردو میں اس کا نام کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں, سم تھنگ اس طرح کا. انجینئر کا کبھی ویسے سوچا نہیں ہے. کیا سنائیں گے؟ سوچا نہیں ہے, سنائیں گے اچھی بات. تعلیم اچھی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کے بارے میں ہے کہ جی آپ اپنے والدین کو, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کو صبح سویرے آپ پیار کی نظر سے دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو والدین کو ہمیشہ پیار سے دیکھنا چاہیے اور ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیں گے. ویلکم جی, بڑا مزہ آیا ان سے بات کی. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ کا نام؟ کرن. انم. کیا کرتی ہیں؟ میں ہاسپٹل فارماسسٹ ہوں. چلے جی, وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ 100 لوگ جاتے ہیں اور 101 واپس آتے ہیں؟ 101 ماچس. ماچس لوگ ہیں, زندہ لوگ. 100 لوگ, 100 جاتے ہیں 101 واپس آتے ہیں. آپشنز دے دیں. نو آپشن. اچھا, بڑی اچھی جگہ ہے وہ, اور بٹ جب 101 آتے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. 101 آ گئے. ٹمپریچر. آپ خوش ہوتی ہیں بخار ہوتے ہیں. ٹمپریچر. بھائی انسان, زندہ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. گیس دے دیں گے پلیز. بتا تو رہی ہوں, بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب 101 ہوتا ہے تو لوگ بڑا شادی میں. ہاں, کلیپنگ کرو. کرے کلیپنگ. کیا سنائیں گی؟ میں ریسیپی بتا دوں. بیوٹی ٹپ. بتانے کے بعد نا مائک ان کو دے دیجیے گا اور ریسیپی ڈیٹیل میں بتائیے گا,
کیونکہ گھر میں لوگ اس کو لکھ رہے ہو. میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ویری سمپل اور ایزی ریسیپی شیئر کروں گی کوفتے بنانے کی. اکثر لوگ مثلا کہتے ہیں کہ کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں، مثلا وہ صحیح طرح نہیں ہارڈ ہوتے، تو اس کے لیے جو سمپل سی ریسیپی ہے جو میں اکثر ٹرائی بھی کرتی رہتی ہوں وہ یہ کہ بون لیس چکن، اور اس کے لیے جتنے بھی اسپائسیز ہوں، اگر کوفتہ مسالہ بھی آپ یوز کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ بس اس کی بائنڈنگ کے لیے تھوڑا سا ہاف ٹی اسپون اگر آپ دہی یوز کر لیں تو اس کے لیے وہ بہت سافٹ اور ہارڈ بھی اس کو بائنڈنگ میں کرے گا. پھر اس کے بعد اس کو سب کو مٹیریل کو آپ نے چاپر میں ایڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آئل جب فرائی ہیٹ اپ ہو جائے تو اس کو بال بنا کر اس کو فرائی کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس کی جو گریوی ہوگی اس میں کریں گے، تو آپ ٹرائی ضرور کیجیے گا، بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے. تھینک یو. I will discuss about the rose water. Rose water is very effective for the skin dryness and also for the eyes freshness, so use rose water daily. Thank you. Very nice. Lahore news ki taraf se aap logon ke liye. جی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیزیں شیئر کی، اور بالکل وہ شادی ہی ہے جہاں پہ آپ سو جاتے ہیں اور 101 ہو کے ایک لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم اس کو لے کے آئے ہیں. مگر خوش نہ ہوئیں، اس کا خیال بھی رکھیں اور وہ اس کو اور ساری زندگی کے لیے خوش رکھیں. ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا، 16:07 میں.